पहली ब्रेकिंग न्यूज, श्रीनगर में 18 घंटे से एनकाउंटर जारी है, लगातार मुठभेड़ चल रही है, आतंकियों से मोर्चा लिया हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, और बड़ी बात यह कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, 3 देश के दुश्मन मार गिराए गए हैं। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, पुंछ में पकड़े गए आतंकियों का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। मेंढर में मंदिरों में विस्फोट करने का इनका प्लान था, यानी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की यह साजिश सामने आई है। एलओसी के पास पाकिस्तानी हैंडलर्स के रखे हथियार दिखाए गए हैं, और पुंछ में पकड़े गए इन आतंकियों ने किया है बड़ा खुलासा, मंदिरों में विस्फोट करने का इनका प्लान था और इसके लिए पूरी साजिश रची गई थी। और दूसरी तरफ आप देखिए, देश के 3 दुश्मनों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया है, 3 आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं श्रीनगर के एचएमटी इलाके में। सबसे पहले बात श्रीनगर एनकाउंटर की ही करते हैं, जहां कल शाम 6 बजे से, यानी पिछले 18 घंटे से एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया है, और ताजा जानकारी ये मिल रही है कि ये ऑपरेशन थोड़ी देर पहले खत्म हो गया है। आतंकियों के सरेंडर नहीं करने पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ, और थोड़ी देर पहले तक यहां आतंकियों के साथ गन फाइट चल रही थी। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस एनकाउंटर को किन मुश्किल परिस्थितियों में अंजाम दिया गया, और देश के 3 दुश्मनों को ढेर किया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। 18 घंटे बाद श्रीनगर के एचएमटी इलाके का यह बड़ा ऑपरेशन खत्म हुआ है, बड़ी सफलता हासिल हुई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो कि लगातार आतंक के संपूर्ण सफाई के मिशन में जुटी हुई है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी महराज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के बाहरी इलाके एचएमटी में कल देर शाम मुठभेड़ जो शुरू हुई थी वो अब समाप्त तो हो गई है, कह सकते हैं कि जैसा कि सुरक्षा बलों का दावा है कि पहले एक अज्ञात मिलिटेंट जो मारा गया था, अब अधिक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, तो कुल मिलाकर संख्या जो है 3 मिलिटेंट पहुंच गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से जो है एक पर्याप्त संख्या में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, जिसमें आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस और उनकी SOG जो है टीम, जो जिसको कह सकते हैं स्पेशल ऑपरेशन टीम जो है, ये ऑपरेशन कर रही थी। और बिल्कुल कह सकते हैं कि 15 घंटों से भी अधिक समय के बाद ये ऑपरेशन जो है अब समाप्त होने को है। हालांकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरी तरीके से इस मकान को जिसमें मिलिटेंट्स छुपे हुए थे इसको सैनिटाइज करने की जो है अभी कोशिश की जा रही है। हालांकि पहले एक शव मिला था मिलिटेंट का, अब 2 शव अधिक मिले हैं, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 3 मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, और अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें आपको कि ये कुल मिलाकर कह सकते हैं गाठी में 5 दिनों में 3री मुठभेड़ है, और 5 दिनों में कह सकते हैं हम कि 4 और 3 यानी 7 मिलिटेंट कुल मिलाकर मारे गए हैं, और अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो भी असला या बारूद इन मिलिटेंटों से हासिल किया जाए वो अपनी तहवील में लिया जाए, और ऐसे में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, HMT श्रीनगर। तो कश्मीर से आतंक के संपूर्ण सफाई के मिशन पर है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और मैसेज बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान से आएंगे घाटी में मारे जाएंगे। महराज अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर, आपको सीधे लिए चलते हैं। महराज ये बताइए कि सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है, क्या अभी भी ये आशंका बरकरार है कि इस इलाके में कुछ और आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं क्या? समीर, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटर जो प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड SOP जिसको कह सकते हैं, कि जब भी मिलिटेंट किसी मुठभेड़ में मारे जाते हैं उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से उस मुठभेड़ स्थल को सैनिटाइज करती है कि कहीं जो आवारा गोला या ग्रेनेड वेनेड तो नहीं रखा गया हो जो फिर वहां पे जो है हानि पहुंचा सकता है, और उसके बाद ही जो है अभी आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अब इस एनकाउंटर से निकल रही है, यानी ये एनकाउंटर अब समाप्त हो गया है। इसमें कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया, जबकि अगर हम कहें पूरा एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया और कोशिश की गई कि जो कोलेटरल डैमेज है उसको रोका जाए, और वही देखने को भी मिला। 18 घंटों से भी ज्यादा हो गया, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोलेटरल डैमेज को रोकने के लिए ये एक निष्पक्ष, जिसको कह सकते हैं एक साफ ऑपरेशन था बलों द्वारा। जी बिल्कुल, महराज बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।